कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10 उद्योग पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 10 उद्योग। सबसे पहले विनिर्माण का GSDP में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2022-23 स्थिर कीमतों पर। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर मेन ध्यान दीजिए, विनिर्माण। देखिए अध्याय 3 राजकीय आय में मैंने आपको अच्छे से क्लासिफाइड करके बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सारे आते हैं। और इस द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम खनन और उत्खनन को शामिल कर दे तब जाकर के वो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अध्याय 3 राजकीय आय को जाकर के पढ़िएगा, उसे मैंने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र शामिल है, एक फ्लो डायग्राम बना करके काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम खनन और उत्खनन को शामिल कर दे तब जाकर के वो उद्योग बनता है। हम अध्याय 10 उद्योग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर आंकड़ा दिया गया है विनिर्माण का। अब देखिए दो वर्ड है जो कि सुनने में एकदम सिमिलर लगते हैं लेकिन इसके मायने अलग अलग है। एक होता है आपका निर्माण और दूसरा होता है आपका विनिर्माण। सुनने में सेम साउंड कर रहे हैं। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग वाला आंकड़ा दिया गया है इसमें। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए टॉपिक का तो हिस्सा नहीं है फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे निर्माण और विनिर्माण में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो उसके लिए एक बार सुन करके रख लीजिए कि निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या होता है। अगर इसका एकदम सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर से होकर के कोई ना कोई नेशनल हाईवे गुजरता है, कभी ना कभी उस नेशनल हाईवे में कोई ना कोई काम होते रहता है, या तो कभी फ्लाईओवर का काम होता रहेगा या कहीं पर किसी टोल का निर्माण होता रहेगा, तो उसमें उसे क्या कहा जाता है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टोल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके एरिया में किसी एक बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई बहुत बड़े मॉल का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाएगा मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यह है कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के एग्जाम्पल। उसके विपरीत अगर विनिर्माण का एग्जाम्पल हम देखें तो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि आप अपने घर में साबुन यूज करते हैं, सोप, साबुन की टिकिया, तो उसके जो डब्बा रहता है या उसकी जो झिल्ली रहती है उसके पीछे आप पलट करके देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी का नाम और किस शहर में उसका निर्माण हुआ है वो लिखा रहेगा। ठीक, आप जब नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके डब्बे में भी लिखा रहेगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी और एरिया का नाम लिखा रहेगा, किस राज्य में इसका निर्माण हुआ है या किस देश में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट और जो मोबाइल है ये विदेश से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, आयात होते हैं। और जैसे बहुत सारे आपके मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, उसके भी पीछे आप पलट करके देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी दिस एरिया, उसमें कभी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा रहता। अब अगर इसको थोड़ा डेफिनेशन से अगर हम समझे तो निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन जब कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसका उपयोग एक निश्चित एरिया में किया जाता है, उसमें गतिमान नहीं होता, उसमें मोबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो
उसे एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो यह कहलाता है निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, जैसे कि फ्लाईओवर हो गया, मॉल हो गए, ये सभी के सभी क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। और इसके विपरीत जो आपका विनिर्माण है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका भी डेफिनेशन लगभग सेम है कि कच्चा माल का रूप परिवर्तित करके इसे डिसेंट्रलाइज्ड किया जाता है, विकेंद्रीकृत किया जाता है, यानी कि निर्माण कहीं पर हो रहा है और इसका उपयोग किसी दूसरे स्थान पर हो रहा है। ठीक है, कोई आपका मेडिसिन जिसका निर्माण दिल्ली में हुआ है लेकिन हम उसका उपयोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें मोबिलिटी है, इसे डिसेंट्रलाइज तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। किसी साबुन का निर्माण नागपुर में हो रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। किसी कपड़े का निर्माण आपके गुजरात के सूरत में हो रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। तो यह होता है मैन्युफैक्चर्ड विनिर्माण। यह बेसिक डिफरेंस है निर्माण और विनिर्माण में। कच्चा माल का रूप परिवर्तित दोनों कंडीशन में हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन में यानी कि निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में, उसमें मोबिलिटी नहीं रहती, वह गतिमान नहीं रहता। अगर आपको उसका उपयोग करना है तो आपको उस स्थान में जाना पड़ेगा। अगर आपको मॉल, अगर आप जो है मॉल घूमना चाहते हैं तो आपको गाड़ी लेके मॉल तक जाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई दवाई चाहिए जिसका निर्माण हो रहा है दिल्ली में, उपयोग छत्तीसगढ़ में करना है, तो वो दवाई आपके तक आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगी, बना कहीं और है लेकिन मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके निर्माण और विनिर्माण में। और इस उद्योग वाले चैप्टर में आपका विनिर्माण के डाटा दिए गए हैं। ठीक है, विनिर्माण का GSDP छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 स्थिर कीमतों पर, इसकी, इसका जो आपका स्थिर कीमत पर इसकी भागीदारी है 50,90,529 लाख रुपए। ठीक है, 50,90,529 लाख रुपए। देखिए, छत्तीसगढ़ के अगर GDP के आकार की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के GDP का आकार है 2,79,082 करोड़ रुपए। ये छत्तीसगढ़ के कुल GDP का आकार है, जिसमें से विनिर्माण की भागीदारी है 50,90,529 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के कुल GDP का 18.67% भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र की है। और इस विनिर्माण से डाटा पूछे जाते हैं। ठीक है, विनिर्माण का GSDP में भागीदारी 50,90,529 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ के कुल GDP का, छत्तीसगढ़ के कुल GSDP का 18.67% योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। ठीक, अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं उद्योग, तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस उद्योग से रिलेटेड यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी नीतियां लागू है या लागू थी, उसके ईयर पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहां पर जो है कुछ नीतियों के नाम और वो नीतियां कब से कब तक यानी कि किस समय अवधि तक के लिए लागू थी, और उससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें। सबसे पहले हम नीतियों के नाम को पढ़ेंगे, फिर उस वो किस समय तक के लिए लागू है या किस समय तक के लिए लागू थी उस वर्ष को देखेंगे, और लास्ट में उससे जुड़े हुए विशेष बातों को देखेंगे। सबसे पहले ऑटोमोटिव नीति, ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड। दूसरा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, यानी अगर हम इसका एग्जांपल ले तो टमाटर क्या है, एक आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि टमाटर से आपके टोमेटो सॉस बनाए जाएंगे, ठीक है, टोमेटो केचप बनाए जाएंगे, तो ये क्या है, उसे प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ये कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण। तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नीति, औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड नीति, ग्रामोद्योग नीति जो ग्रामीण स्तर पर जो आपके लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाते हैं उससे रिलेटेड नीति, सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर जोर देना। अब ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, देखिए कोयला जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है,
कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म करके बॉयलर में मौजूद जो आपका वाटर है उसे स्टीम में कन्वर्ट करके उसे हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड पर छोड़ा जाता है, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये क्या है, कोयला क्या है? कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक बार हमने कोयला का उपयोग किया तो उसे दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। तो इस सौर ऊर्जा नीति में परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर आपका फोकस किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूरज, इसलिए यहां पे सौर ऊर्जा नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। बड़े बड़े सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। और एक है लॉजिस्टिक पार्क नीति। लॉजिस्टिक का अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो आप जैसे मूवी देखे होंगे तो मूवी में समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े जो है कंटेनर रखे रहते हैं। वो जो कंटेनर क्या है, वो लॉजिस्टिक है। दूसरे देशों से समुद्र मार्ग के माध्यम से आपके समुद्र के किनारे बने हुए पोर्ट में वहाँ पर आपके कंटेनर इकट्ठे किए जाते हैं। उस वो जो आपका एरिया है जो लॉजिस्टिक पार्क है, उस लॉजिस्टिक पार्क की कनेक्टिविटी आपके जल मार्ग से भी रहती है, वायु मार्ग से भी रहती है और सड़क मार्ग से भी रहती है, रेल मार्ग से भी रहती है। ये कहलाते हैं आपके लॉजिस्टिक पार्क। तो छत्तीसगढ़ में भी जो है आपके लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। ठीक, तो ये हमारे प्रदेश में कुछ नीतियां जो कि लागू थी और लागू है। देखिए, ऑटोमोटिव नीति जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये 2012 से लेकर के 2017 के मध्य लागू थी, अभी वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। दूसरा है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, जो कि 2012 से लेकर के 2019 के मध्य लागू थी, इसके आगे इसका क्या हुआ कोई अता पता नहीं है। औद्योगिक नीति, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में औद्योगिक नीति 2019 से लेकर के 2024 तक के लिए लागू की गई है। ये हमारे प्रदेश की नवीनतम का मतलब अभी वर्तमान में लागू है, नवीनतम और फिफ्थ नंबर की औद्योगिक नीति है। हमारे प्रदेश की यह पांचवें नंबर की औद्योगिक नीति है जो कि 2019 से लेकर के 2024 तक के लिए लागू है। ग्रामोद्योग नीति जो कि 2016 से लेकर के 2021 तक लागू थी। सौर ऊर्जा नीति जो कि 2017 से लेकर के 2027 तक के लागू है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी नीतियां, इससे पहले जो हमने पढ़ा आपका ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, औद्योगिक नीति, ग्रामोद्योग नीति, ये सभी के सभी जो नीतियां हैं ये 5 साल के लिए लागू थी। ठीक है, 5 साल के लिए लागू थी, 5 साल के लिए लागू है, लेकिन ये जो नीति है ये 10 साल के लिए लागू किया गया है। ठीक है, 10 साल के लिए इसे लागू किया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो कि वर्ष 2002 में लागू किया गया था, उसके बाद अब सौर ऊर्जा नीति के नाम से इसे 2017 में लागू किया गया। 2017 से लेकर के 2027 तक 10 साल के लिए यह नीति लागू की गई है। लॉजिस्टिक पार्क नीति जो कि 2018 से लेकर के 2023 तक के लिए इसे लागू किया गया है, ये इसका लास्ट ईयर है। ठीक, देखिए जो ये जो नीतियां जो है, नीतियां ये जनरली 5 साल के लिए लागू होती है, 5-year plan के तौर पर, जिसमें गवर्नमेंट आगामी 5 वर्षों के लिए, यानी कि जिस टाइम पे इसे लागू किया गया उसके अगले 5 साल में उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस इंडस्ट्री के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, कौन कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से उस इंडस्ट्री के विकास के लिए, उस इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, ये एक 5-year plan बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी औद्योगिक नीतियां। सभी नीतियां 5 साल के लिए है, केवल सौर ऊर्जा नीति जो है ये 10 साल के लिए इसे लागू किया गया है। ठीक, उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो शुरू के 5 है, शुरू के जो ये 5 नीति है, ये नीति आपका 1 नवंबर से लागू होकर के 31 अक्टूबर तक के लिए लागू है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक, अगर आपको इसका एग्जांपल दूं, औद्योगिक नीति, हमारे प्रदेश में 5वीं औद्योगिक नीति है, तो ये जो 5वीं औद्योगिक नीति है इसे लागू किया गया है 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक। वैसे ही ये सारी नीतियों को भी लागू किया गया। ठीक, अगर हम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो सौर ऊर्जा नीति भी आपका 1 नवंबर 2017 से लेकर के 31
अक्टूबर 2027 तक के लिए इसे लागू किया गया है। यानी कि जो औद्योगिक नीतियां हैं इसे 1 अक्टूबर जिस वर्ष में शुरू किया गया उसके एक नवंबर से लेकर के जब ये आपका एंड होगा 31 अक्टूबर तक के लिए लागू रहेगा। समझ रहे कि नहीं? जैसे कि औद्योगिक नीति जो कि 2019 से 2024 तक के लिए लागू है, तो 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए लागू है। ये सौर ऊर्जा नीति 1 नवंबर 2017 से लेकर के 31 अक्टूबर 2027 तक के लिए लागू है, शुरू के 5। जबकि जो लॉजिस्टिक पार्क जो नीति है ना, ये लॉजिस्टिक पार्क नीति 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लागू है। डेट के साथ याद रखना, ठीक है? 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू है। अभी इसे शायद एक्सटेंड किया गया है, नहीं किया गया, क्योंकि देखिए 2023 तक के लिए लागू था, इसके आगे इसका कोई अता पता नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ भी नहीं आया है। एक और नीति लागू किया गया है, आगे आपको और बताऊंगा, राज्य महिला उद्यमिता नीति, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति, जो कि लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक के लिए। इस उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में महिलाओं को आगे लाने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू की गई है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक के लिए इसे लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है? साल भर होने वाले किसी न किसी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 5वीं औद्योगिक नीति, जो हमने यहाँ पर देखा 2019 से लेकर 2024 तक के लागू है। तो इस 5वीं औद्योगिक नीति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 5वीं औद्योगिक नीति जो कि 19 से लेकर के 24 तक के लागू किया गया है, 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए यह लागू है। अब इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, सबसे पहले हम उद्योगों की श्रेणियों को देखेंगे, ठीक है? इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। एक है आपकी उच्च प्राथमिकता श्रेणी, दूसरा है प्राथमिकता श्रेणी, और तीसरी है सामान्य श्रेणी। पहले मैं आर्थिक सर्वेक्षण में ये सारे चीज़ों को नहीं पढ़ाता था, यानी कि औद्योगिक नीति से रिलेटेड ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता था, लेकिन अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उच्च प्राथमिकता नीति, उच्च प्राथमिकता श्रेणी और सामान्य श्रेणी। देखिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उन उद्योगों को रखे जाते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी विकसित हो चुके हैं। प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत इससे थोड़े कम विकसित, और उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत बहुत कम अल्प विकसित जो उद्योग है उन्हें रखा जाता है और इनके विकास पर जोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सामान्य श्रेणी, अगर हम देखें स्पंज आयरन इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र, चूना निर्माण, पैक्ड ड्रिंक वाटर, ये सभी के सब है ऐसे इंडस्ट्री आपके है, ऐसे आपके प्लांट है, ऐसे संयंत्र है जो ऑलरेडी काफ़ी विकसित है। हमारे छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट बूम पे है, ठीक है? काफ़ी डेवलप है। ताप विद्युत संयंत्र काफ़ी डेवलप है, स्पंज आयरन इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है, तो इसे अब ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं, तो इन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया है। दूसरी तरफ साइकिल निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, विद्युत उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड, ब्रांडेड डेयरी उत्पाद, मेडिकल एवं लेबोरेटरी रेडीमेड गारमेंट, ये सभी को जो है प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। उच्च प्राथमिकता श्रेणी जिस पर सरकार इस औद्योगिक नीति, 5वीं औद्योगिक नीति में इनके विकास के लिए मेन योगदान देगी, इनके विकास पर जो है मुख्य रूप से ध्यान देगी, तो उन्हें उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि हर्बल वनोद्योग और वन उपज पर आधारित उद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल उद्योग आदि, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार का प्रश्न पूछा था व्यापम का कि 5वीं औद्योगिक नीति के अंतर्गत ब्रांडेड डेयरी
उत्पाद को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? व्यापम का प्रश्न था, ब्रांडेड डेयरी उत्पाद को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिकता श्रेणी, प्राथमिकता श्रेणी, सामान्य श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिकता श्रेणी। दूसरा चीज एक और ध्यान रखना, मेडिकल उत्पाद, मेडिकल उत्पाद, इसे जो है उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। मेडिकल उत्पाद का मतलब जैसे कि जो दवाइयों के निर्माण और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे अगर आप आईसीयू में देखे होंगे, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आईसीयू रहते हैं उसमें बड़े बड़े जो आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे एमआरआई मशीन हो गया, ठीक है, आपका जो है सीटी स्कैन का जो मशीन हो गया, उसके जो निर्माण से संबंधित जो इंडस्ट्री है उन्हें उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। मेडिकल उत्पाद को उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, पहले यह शामिल नहीं था, लेकिन जब से कोविड-19 आया ना, तो कोविड-19 का दौर आने के बाद से मेडिकल उत्पाद को उच्च प्राथमिकता श्रेणी की में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, स्थानीय निवासियों को नव स्थापित उद्योगों में आरक्षण। पांचवी औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो भी नए उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे उन्हें छत्तीसगढ़ के निवासियों को अपने स्थापित उद्योगों में आरक्षण, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक यानी कि जो ट्रेन नहीं है उतने तरीके से, वो जो है उस वर्क को करने के लिए ट्रेन नहीं है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो ठेका मजदूर होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट में जो ठेका मजदूर होते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है अकुशल श्रमिक। तो अकुशल श्रमिक की श्रेणी का जो आपका पद है इसमें 100% रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को होगा। देखिए, जो आपका कहीं पर किसी स्थान पर प्लांट स्थापित है, फॉर एग्जाम्पल बीएसपी, तो बीएसपी में अगर अकुशल श्रमिक का रिक्वायरमेंट है तो उस अकुशल श्रमिक का जो रिक्वायरमेंट है उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही उसमें रखा जाएगा। अकुशल श्रमिक यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं ठेका मजदूर। ठीक, दूसरा है अर्धकुशल और कुशल श्रमिक। अर्धकुशल और कुशल श्रमिक का मतलब ट्रेंड, ठीक है, प्रशिक्षित श्रमिक। उसमें जो है 70% रिजर्वेशन दिया गया है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को। जैसे कि मान लीजिए प्लांट में कोई मशीन चलाना है, सीएनसी मशीन हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 70% रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी के बचे हुए 30% बाहर दूसरे राज्यों से यहाँ उन श्रमिकों को बुला सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 70% श्रमिकों के लिए सीट आरक्षित होगी इन नव स्थापित उद्योगों में। ठीक है, प्रशिक्षित श्रमिकों की बात की जा रही है, कुशल श्रमिकों की बात की जा रही है, प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक यानी कि मैनेजमेंट लेवल के जो हायर अथॉरिटी पे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो उसमें जो है आपका 40% रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों का रहेगा, बाकी बचा हुआ जो आपका 60% रिजर्वेशन है वो रहेगा, वो जो है कंपनी बाहर से यानी कि जो उद्योग है बाहर से उन श्रमिकों को बुला सकती है। ठीक, श्रमिक या फिर एम्प्लॉय बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक नीति 1924, ठीक है, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश में कोर सेक्टर उद्योग, ठीक है, हम पांचवी औद्योगिक नीति पढ़ रहे हैं 2019 से लेकर के 2024। औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश के कोर सेक्टर, अब देखिए ये कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? कोर सेक्टर जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, ठीक है, ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं, ये ऐसे उद्योग होते हैं जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, किसी देश की या किसी राज्य की। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में, ठीक है, भारत के कुल 8 कोर सेक्टर है जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर इन कोर सेक्टर में अगर कुछ भारी चेंजेस दिखने के लिए मिलेगा तो पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका प्रभाव होता है। टोटल 8 कोर सेक्टर है, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, बिजली, आपका स्टील, उर्वरक, ये टोटल 8 कोर सेक्टर है इंडिया के। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल 4 कोर सेक्टर है। इंडिया के कोर सेक्टर को छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर से शामिल, उससे जो है मिलाने का कोशिश मत कीजिएगा। भारत के टोटल 8 कोर सेक्टर है, कौन कौन सा है? कोयला,
कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट, बिजली, स्टील और उर्वरक, ये छत्तीसगढ़, ये जो है आपके भारत के, इंडिया के 8 कोर सेक्टर है, जबकि छत्तीसगढ़ के 4 कोर सेक्टर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इन 4 कोर सेक्टर के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि इन कोर सेक्टर में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा है? स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, एल्यूमिनियम संयंत्र। याद करने, इसे जो है रटने की जरूरत नहीं है, ये आपके इंडियन जीएस का ही हिस्सा है। अगर आप छत्तीसगढ़ जीएस का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में अगर आप छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक और स्थलाकृति विभाजन पढ़े होंगे तो आपके स्थलाकृति विभाजन में छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट, जिसमें गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है, दक्कन ट्रैप्स का विस्तार है, कड़प्पा शैल समूह का विस्तार है, ये मुख्य रूप से शैल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है, वहाँ स्टील इंडस्ट्री होगा। दक्कन ट्रैप्स का जहाँ पर विस्तार है वहाँ पे बॉक्साइट का भंडारण होगा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगा। जहाँ पर कड़प्पा शैल समूह का विस्तार है, चूना पत्थर का भंडारण होगा, वहाँ पर जो है आपका सीमेंट संयंत्र होगा, ठीक। और एक बज के ताप विद्युत संयंत्र, जहाँ पर आपके कोयले का भंडारण है वहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र। यही हमारे छत्तीसगढ़ के मेन उद्योग है, ठीक है। उद्योग वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो ये मेन इंडस्ट्री है हमारे छत्तीसगढ़ की, जिस पर जो है पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक छत्तीसगढ़ की कोर सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। एक ऑप्शन दिया था सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र और ऑटोमोबाइल संयंत्र। ऑटोमोबाइल संयंत्र हमारे छत्तीसगढ़ का कोर इंडस्ट्री नहीं है। ये 4 हमारे छत्तीसगढ़ कोर इंडस्ट्री है और भारत के टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक पुरस्कार योजना। इस 5वीं औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की 5वीं औद्योगिक नीति के अंतर्गत कुल कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी है? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन हेतु, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी आधारित स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाइयां, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इन 5 श्रेणियों में औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इसमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1.51 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में आपके 1 लाख, तृतीय पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब अगर क्वेश्चन और थोड़ा डीप में जाकर के पूछा गया तो पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की 5वीं औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले औद्योगिक पुरस्कार की श्रेणियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो 5 शामिल है, कौन कौन सा? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन हेतु, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाइयां, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग। इन 5 श्रेणियों में जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, जो कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक लागू थी। 5 साल की इसकी कार्यावधि थी। इस लॉजिस्टिक पार्क का उद्देश्य क्या था? देखिए, लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करके राज्य को लॉजिस्टिक सेवा क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे पिक्चरों में समुद्र के किनारे आपके कंटेनर के पोर्ट बने होते हैं, जहाँ पे विदेशों से आपके कंटेनर लाकर के, शिप के माध्यम से कंटेनर लाकर के इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से रेल मार्ग, आपका सड़क मार्ग, वायु मार्ग के माध्यम से अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में उसे भेजा जाता है। ये कहलाते हैं आपके लॉजिस्टिक एरिया या लॉजिस्टिक पार्क। छत्तीसगढ़ को भी जो है आपके छत्तीसगढ़ में भी लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना इस
फाइव ईयर प्लान यानी कि लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था। क्या हुआ, क्या अपडेट है, कोई जानकारी नहीं है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम में तथा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रायपुर जिले के नवा रायपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड CSIDC छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 2001 को। इसका मुख्यालय है रायपुर में। इस डेट को याद रखिएगा, इस डेट से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना या इसका गठन किस वर्ष हुआ। 7 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है आपके रायपुर में। विशेष, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एकमात्र निगम है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। अब देखिए, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ये पूरा का पूरा लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका इसके अंतर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र। ये जो आपका क्लासिफाइड किया गया है औद्योगिक क्षेत्र को, ये इन्हें अलॉट होने वाली एरिया पर जो जमीन इन्हें अलॉट होती है औद्योगिक क्षेत्र को, उसके आधार पर इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्लासिफाइड किया गया है। वृहद औद्योगिक क्षेत्र जिसमें जो है 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र आपके विकसित होते हैं उसे वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से लेकर के 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले औद्योगिक क्षेत्र को मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के श्रेणी में रखा जाता है। लघु औद्योगिक क्षेत्र 50 से लेकर के 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले आपके औद्योगिक क्षेत्र को लघु औद्योगिक क्षेत्र, तथा 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले औद्योगिक क्षेत्र को आपका सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके लिए सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक क्षेत्र वृहद औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता। इसमें देखिए, वृहद औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में कौन कौन से है, रायपुर का उरला, रायपुर का सिलतरा, बिलासपुर का सिरगिट्टी, बिलासपुर का सिलपहरी और दुर्ग का बुराई। ये 5 औद्योगिक क्षेत्र वृहद औद्योगिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, बुराई जो है पहले मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से इसे वृहद औद्योगिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के वृहद औद्योगिक क्षेत्र 5 है, रायपुर के 2, उरला सिलतरा, बिलासपुर के 2, सिलपहरी और सिरगिट्टी और दुर्ग का 1 बुराई। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 5 वृहद औद्योगिक क्षेत्र है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे ही मध्यम औद्योगिक क्षेत्र और आप लघु औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र की भी सूची एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र रायपुर भनपुरी मध्यम में है, पार्क इंडस्ट्रियल पार्क, हथखोज भिलाई, मेटल पार्क, ये सभी के पार्क जो है आपके मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही आपके लघु औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पे दिया गया है और सूक्ष्म लघु औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ नए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, एक मुंगेली जिला के ग्राम परसिया, यहाँ पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, और दूसरा बिलासपुर जिले के ग्राम बिलासपुर में एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अभी केवल भूमि अलॉट हुआ है, अभी इसका विकास होना बाकी है, नवीन औद्योगिक केंद्र प्रस्तावित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एकीकृत अधोसंरचना विकास के केंद्र, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। अब ये एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र ये होता क्या है, इसे समझना। देखिए, भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु ये जो आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, ये सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर देता है। इनकी स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जाती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 60% अधिकतम 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शेष राशि अंशदान जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य में इसकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC है। यानी कि अगर सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए अगर कोई एक आपका जो राशि है, जो एक अमाउंट है, जो फंड है, अगर वो जो है पारित होता है, तो उसमें 60%
ठीक है 60% 60% तक का जो अनुदान है, 60% मैक्सिमम कितना, 6 करोड़ मैक्सिमम ये भारत सरकार देगी, और बची हुई जो शेष राशि है उसका जो अंशदान है वो राज्य सरकार प्रदान करेगा। यानी कि मान लीजिए किसी एक सूक्ष्म और लघु उद्योग की स्थापना के लिए कोई एक सेंटर यानी कि एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उसकी लागत 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में से 6 करोड़ मैक्सिमम है आपके भारत सरकार के द्वारा, मैक्सिमम 6 करोड़ दिया जाएगा और बाकी बची हुई जो शेष राशि है उसका वहन राज्य सरकार करेगा। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो भारत शासन के सहयोग से 3 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। मुंगेली जिले के खमरिया में आपका कोरिया नहीं, देखिए पहले ये कोरिया के अंतर्गत आता था, अब ये चले गया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो नवगठित जिला है उसमें, परसगढ़ी, ठीक है परसगढ़ी जो कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है, और तीसरा है आपका सियार पाली महुआ पाली जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत है। ये छत्तीसगढ़ के 3 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है। अगर हम प्रस्तावित की बात करें तो प्रस्तावित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र जो कि रायपुर के अभनपुर में और धमतरी के जी आमगांव में प्रस्तावित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क, कुछ औद्योगिक पार्क है उस पर ध्यान दीजिएगा, मेटल पार्क, छत्तीसगढ़ का मेटल पार्क है आपके रायपुर जिले के रावाभाटा में, या पढ़े होंगे किसमें, छत्तीसगढ़ जीएस में। प्लास्टिक पार्क जो कि स्थित है रायपुर के सरोरा में। इंजीनियरिंग पार्क जो कि दुर्ग के हथखोज में स्थित है। एक है फूड पार्क जो कि धमतरी के बगौद में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो कि रायपुर के नया रायपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि आपके रायपुर में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाई उत्पाद प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो कि भिलाई में है। और सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सेज जो कि राजनांदगांव में है। ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोलर पैनल विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सेज किस जिले में है, तो ये है राजनांदगांव जिले में। ठीक है, नवीन फूड पार्क, इसको पढ़ करके रख लीजिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 200 फूड पार्क प्रस्तावित है। 146 विकास खंड में 114 विकास खंड में भूमि चिन्हांकित की गई है। टोटल 146 विकास खंड में से 114 विकास खंड में भूमि चिन्हांकित की गई है। फूड पार्क स्थापित सुकमा जिले के ग्राम सुकमा में फूड पार्क स्थापित किया जा चुका है। बाकी छिंदगढ़, कोंटा, पखांजूर, श्यामा तराई यहाँ पर स्थापना के लिए कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, अब ये क्या है, इससे एग्जाम में प्रश्न बना था। अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, अप्रैल का मतलब होता है आपका वस्त्र, कपड़ा, परिधान। ठीक है, अप्रैल इंग्लिश में अप्रैल कहा जाता है, यानी कि कपड़ों के ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर जो आपके आज के डेट में जो फैशन इंडस्ट्री में जो कपड़ों के अलग अलग प्रकार से जो है फैशन इंडस्ट्री समझते हैं ना, कपड़ों को जो है कटिंग सिलाई ये सारी चीज़ें हैं, तो अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर उद्देश्य राज्य के युवाओं को वस्त्र परिधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना इस ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में स्थापित ट्रेनिंग सेंटर है रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में। एक साल का प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के किस एक स्थान पर अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया था, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव। तो कहाँ पर स्थित है, रायपुर में है, भिलाई में है, राजनांदगांव में है, बिलासपुर में स्थित नहीं है। इसके अलावा बस्तर संभाग कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर सुकमा में स्थापित किया गया है। तो 3 के अलावा चौथा कहाँ पर है, सुकमा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कमर्शियल कोर्ट, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले यहाँ वाणिज्यिक यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जा रही है, वाणिज्यिक विवादों के निराकरण के लिए नया रायपुर में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की है। इस न्यायालय में की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे संपूर्ण प्रक्रिया एवं और निर्णय जो है पारित करने की प्रक्रिया ये ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम पर बेस्ड है। तो कमर्शियल कोर्ट कहाँ पर है पूछा जाए तो नया रायपुर में, बिलासपुर मत मार देना, बिलासपुर में हाई कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट कहाँ पर है ये मौजूद है आपके नया रायपुर में, नया रायपुर या नवा रायपुर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रैंकिंग आई है। ठीक है, इसके जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। रिपोर्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान
2020 इस नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें शामिल घटक कौन से है? लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन परमिट इत्यादि। देखिए इसमें सीधे साधारण शब्द में क्या कहा जा रहा है, लेबर रेगुलेशन यानी कि किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर है उनके लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक इंडस्ट्री को किसी राज्य में स्थापित करने के लिए कितनी सरलता से उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर किसी इंडस्ट्री को अगर स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे पहले भूमि लेना पड़ेगा, भूमि का रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, तीन चार जो बोर्ड है उससे जो है परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपका पर्यावरण मंत्रालय हो गया, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट से उन्हें जो है अनुमति स्वीकृत करानी पड़ती है। तो किसी एक राज्य में किसी एक उद्योग को स्थापित करने की कितनी सुगमता है वो कहलाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों के मध्य उद्योग क्षेत्र में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। 2019 इज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में से छठवें स्थान पर था। 36 राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के बात की जा रही है। अब इस 2020 में छत्तीसगढ़ जो है ये आकांक्षी राज्य श्रेणी में, पहले तो जो है ओवरऑल रैंकिंग आती थी, अब जो है सेक्शन वाइज श्रेणी वाइज आता है, आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पर असम है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है गोवा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान 2015-16 में चौथे स्थान पर रहा, 2017 में यह देश के टॉप अचीवर्स राज्यों की सूची में शामिल था, 2019 में यह छठवें स्थान पर था, 2020 में आकांक्षी राज्यों की श्रेणी पर यह दूसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिपोर्ट पिछले दो साल से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इससे अभी तक तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था ये रिपोर्ट, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। दो योजना है, एक है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये दोनों के दोनों जो योजना है ना एकदम सिमिलर है, एकदम सेम है, और इसके अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है वो भी एकदम सेम है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य युवा वर्ग के को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंक से ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्रता क्या है, इसमें जो आपके पात्र जो हितग्राही है उसका 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसमें ऋण सीमा क्या है, विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए तक, सेवा के क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक और व्यवसाय के क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ये इसकी ऋण सेवा है। सेम है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पात्रता देखेंगे तो जिस प्रकार से उसमें पात्रता था, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए, उसमें था छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आपका रोजगार योजना है, तो ये क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का समूह का जो है सदस्य होना आवश्यक है। इसमें ये अंशदान इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे ऋण की सीमा विनिर्माण में अधिकतम 50 लाख, सेवा में अधिकतम 20 लाख और व्यवसाय में अधिकतम जो है 20 लाख तक का इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कितना है, इसमें है आपका 2 लाख और इसमें कितना है, इसमें है आपका 20 लाख, ये अपडेट हुआ है, ठीक है, व्यवसाय में 20 लाख। प्रश्न पूछा जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम कितनी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कथन आधारित प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पात्रता में 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो है विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, तो इसमें जो है गलत कथन कौन सा होगा, शैक्षणिक योग्यता जो मैंने 5वीं पास बताया वो असत्य कथन होगा,
होगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता क्या है, आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ऐसे कथन आधारित प्रश्न बन सकते हैं, सेम सिमिलर कथन आधारित प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है, हर एक लाइन इसमें क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना, इससे एग्जाम में प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कौन कौन है। देखिए अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिला उद्यमी इस स्टैंड अप इंडिया योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पात्र है। ओबीसी वर्ग इसके अंतर्गत पात्र नहीं है, केवल 3 वर्गों के लिए है, एससी एसटी ओबीसी। प्रश्न पूछा गया था कि स्टैंड अप इंडिया योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं है, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और आपका महिला उद्यमी, तो उसमें आंसर होगा आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, लक्ष्य प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी जिसे 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक की ऋण सीमा, इतनी सीमा तक के जो ऋण है इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे, लोन की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पात्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बायो एथेनॉल इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित दिसंबर 2022 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में 29 एथेनॉल प्लांट जो कि गन्ना धान और मक्का पर आधारित होंगे लगाने की तैयारी है। इसके लिए अब तक टोटल 29 MOU यानी कि समझौते भी किए जा चुके हैं। बेमेतरा जिले में सर्वाधिक 10 प्लांट लगाने के लिए MOU हुआ है। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग में 3-3 प्लांट, मुंगेली में 2 प्लांट, जांजगीर चांपा, महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा में 1-1 प्लांट लगाने के लिए करार हुआ है। अभी केवल समझौता हुआ है, कहीं पर भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला PPP मॉडल पर आधारित गन्ने से, ठीक है, गन्ने से जो है आपका एथेनॉल निर्माण का जो प्लांट है ये स्थापित हो चुका है। कहाँ पर? कबीरधाम जिले में जो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना है उसके जस्ट समीप में आपका एक एथेनॉल प्लांट लगाया गया है जो कि PPP मॉडल पर आधारित हमारे छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट है। ठीक है, इसका लोकार्पण अभी इसी महीने हुआ था, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, पिछले सितंबर के महीने में उसका लोकार्पण हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है CPET, हिंदी में भी CPET लिखा हुआ आता है। ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये जो है आपका एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देना। हमारे प्रदेश का पहला CPET स्थापित है रायपुर जिले के भनपुरी में, ठीक है, जो जिसका संचालन प्रारंभ हो चुका है, और दूसरा प्रस्तावित है आपके कोरबा जिले के स्याही मुड़ी में। ठीक है, कोरबा जिले के स्याही मुड़ी में हमारे प्रदेश का दूसरा CPET प्रस्तावित है। अन्य औद्योगिक संरचना, हमारे छत्तीसगढ़ का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इंडस्ट्री से रिलेटेड वो है आपके सिलतरा में, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि दुर्ग जिले के बोराई में है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, स्मॉल मतलब कि लघु, मीडियम यानी कि मध्यम इंटरप्राइजेस, इसके लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस करके। ठीक है, तो इसकी टेक्नोलॉजी सेंटर ये मौजूद है आपके बोराई में, दुर्ग जिले के बोराई में। व्यावसायिक परिसर तिफरा, सिरगिट्टी, बिलासपुर, बिरकोनी, महासमुंद और हरिल छपरा, कबीरधाम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखना MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहां पर है, दुर्ग जिले के बुराई में। ठीक, नेक्स्ट देखिए ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग, इसके अंतर्गत आप मुख्य रूप से जो है रेशम उद्योग पर फोकस करते हैं। देखिए हमारे प्रदेश में जो है रेशम का जो उत्पादन है वो कीड़े की लार से, कीड़े की थूक से होता है। जो रेशम का जो उत्पादन है ये एक कीड़ा होता है, जैसे कि एक कीड़ा जो है उसके थूक से, उसके लार से, जैसे ही वो उसका लार निकलता है या जैसे ही वो थूकता है तो हवा के संपर्क में आकर के वो तुरंत सूख जाता है और उसी से बनता है आपका रेशम का धागा। तो हमारे प्रदेश में जो है टसर क्रीमी एक कीड़ा है, टसर और मलबरी ये दो आपके रेशम के कीड़े की प्रजाति है जिससे रेशम का निर्माण किया जाता है। टसर क्रीमी जिसका पालन साजा और अर्जुनी के वृक्ष या पौधे में किया जाता है। ये जो क्रीमी है, इस क्रीमी की जो रियायती दर है 2 रुपये प्रति स्वस्थ समूह अंडे, यानी कि अंडे से क्रीमी निकलेंगे, और प्रति कृषक 100 स्वस्थ डिब्ब समूह।
हमारे प्रदेश के 28 जिलों में 427 क्लस्टर कोसा बीज केंद्र संचालित है। कुकुन उत्पादन की बात की जाए तो 2021-22 में टसर कुकुन का उत्पादन रहा 711.65 लाख नग पालित, जबकि मलबरी कुकुन का रहा आपका 59,279 किलोग्राम। ये जो है आपके टसर कुकुन और मलबरी कुकुन, टसर क्रीमी से उत्पन्न जो आपका जो कुकुन है वो, और मलबरी क्रीमी से उत्पन्न कुकुन की बात हो रही है। विशेष, प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा उत्पादन कर 500 से लेकर के 3,000 प्रति मूल्य कृषकों को प्रदान किया जाता है, कृषकों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। 2021-22 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से 92,898 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसमें बस ये आंकड़े को थोड़ा सा याद रख लेना, इसका और इसका, हमारे प्रदेश में टसर और मलबरी क्रीमी के माध्यम से रेशम का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग, इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। ग्रामीण अंचल में खादी एवं ग्रामोद्योग की इकाइयों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा टोटल 9 खादी उत्पादन केंद्र संचालित है। ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र की बात की जाए तो दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा में टोटल 3, यानी कि इन 3 स्थानों में, दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा में ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र संचालित है। विशेष, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021-22 में 19,725 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। ठीक है, अब देखिए जो 9 खादी उत्पादन केंद्र की बात की जा रही है कहाँ कहाँ पर है? कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवर बीजा और डिमरापाल में। ठीक है, इसी बोर्ड के अंतर्गत, यानी कि छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत बांस केंद्र की बात की जाए तो बांस केंद्र कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जगदलपुर बस्तर में है। ठीक है, कोशा वस्त्र उत्पादन जो कि जांजगीर चांपा और रायगढ़ में संचालित है। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर और जगदलपुर में संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME। इसकी शुरुआत 29 जून 2020 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत, देखिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है जिसकी शुरुआत 29 जून 2020 को हुई। इसमें नोडल मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ये जो आपका योजना है 2020-21 से लेकर के 24-25 तक 5 वर्ष के लिए इसे लागू किया गया है। इसमें परिव्यय केंद्र सरकार जो है 60% और राज्य सरकार 40% इसमें व्यय करेगी। 2021-22 में 16.52 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें केंद्र का अंश 9.91 करोड़ और राज्य का अंश 6.61 करोड़ रुपए है। विशेष, योजना अंतर्गत 120 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 47 लाभार्थियों को अनुदान वितरित किया गया है। अब ये है क्या योजना, इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़ करके बता देता हूँ। इसे बस याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, ये लास्ट है, इसके आगे अच्छा एक और है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना, क्षेत्र के औपचारिकता को बढ़ावा देना, किसान उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों और उत्पादकों को उनकी पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना। यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पाद के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है। ये मुख्य रूप से किसके लिए? खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित एक योजना है। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था
छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू है? ये लागू है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक, 5 साल के लिए यह लागू है। महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहचान देने तथा उन्हें उद्यम से जोड़ने का एक नया अवसर है यह एक नई नीति। महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए जो है इसमें लोन ऋण प्रदान किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो ऋण है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए यानी कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए, सर्विसेज इंटरप्राइजेस यानी कि सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए, बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए जो है 10 लाख रुपए यानी कि व्यवसाय के लिए, जो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पढ़ा था। विनिर्माण एक था, दूसरा था आपका सेवा क्षेत्र और तीसरा था व्यवसाय, वही है। विनिर्माण के लिए महिला अगर कोई इंटरप्राइज स्थापित करे तो उसे 50 लाख रुपए का तक का लोन, सेवा क्षेत्र में अगर कोई आपका उद्योग स्थापित कर रही है तो उसके लिए 25 लाख तक का लोन और बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या छूट प्रदान की जाएगी वो दिया गया है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। विद्युत शुल्क में छूट, अन्य छूटे, महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5% का अतिरिक्त अनुदान, छूट के मामलों में 1 वर्ष की अधिक समयावधि प्रदान की जाएगी। महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% का अतिरिक्त अनुदान एवं छूट मामलों में 1 वर्ष का अधिकतम प्रावधान दिया जाएगा। तो ये था आपका अध्याय 10 उद्योग। इससे बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं लेकिन हमारे चैप्टर का हिस्सा था इसलिए इसे कवर कराया गया। तो यहाँ पर आपका उद्योग वाला चैप्टर होता है समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका विद्युत से रिलेटेड, ठीक है, विद्युत एवं छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना अध्याय 11, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।